क्या दोस्त के साथ हम आए हैं अपना मेला पूजा उजा कर रही हैं क्या अभिषेक भाई कुछ बोलो। बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है ससाई पोखर में। सो गाइस अभी सुबह सुबह उठने के साथ ही मैं रेडी हो चुका हूँ नहा वहा के जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज मैं काफी ज्यादा जल्दी उठ गया क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबों की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम जाएंगे अभी सुबह सुबह ही कहाँ पूजा करने भगवान जी का, तो फिलहाल चलिए चलते हैं पूजा करने। और अभी तक मैंने जानते हैं कुछ खाया भी नहीं, आज सोच रहा हूँ कि उपवास रखूं, लेकिन ऐसा तो मुझसे हो नहीं सकता है कि मैं फास्टिंग रख पाऊं, तो देखते हैं जब तक हमारा आत्म इच्छा जागा रहेगा कि फास्टिंग। लेकिन जहां जाएंगे पूजा करने वहां मेला रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो देख के मन करेगा ना खाने का, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं शिव जी के पास जाने के लिए और अपने खेतों से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस को ना आधा से आधा के आधा तक रहता है। इतना बड़ा दूरी है यहाँ से वहां तक का दूरी बहुत लंबा है, मतलब 5-6 किलोमीटर का है और ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कम कर देता है। आवाज में अब आगे का मडगा थोड़ा ढीला है, इसलिए इतना ज्यादा आवाज कर रहा है, उतना भी ज्यादा खराब रोड नहीं है, गाड़ी वगैरह जाता है। जैसा कि आपने देखा कि म्यूजिक बज रहा था, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, तो मैं अपना जल लेके और लाइन में खड़ा था। और हमारे साथ आज यस भी आया था, तो यस भी और अंकल जी हमारे कैमरा में झांकने लगे, फिर हम कैमरा मुड़ा के आपको भीड़ दिखा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो हम और यस दोनों धीरे धीरे अपने लाइन में आगे की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई अब रहने दे कैमरा बंद कर क्योंकि लाइन लंबा है। फिर हम धीरे धीरे अपना परिश्रम करके और मंदिर के गेट तक पहुंच गए और पूजा करके बाहर निकले। उसके बाद यस और हम खड़ा थे, तो फिर देख सकते अभी भी बहुत लोग लाइन में लगे और भीड़ कमने का नाम नहीं ले रहा था। टाइम टू टाइम लोग और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और मैं अपना अगरबत्ती जला के और आ गया यहाँ पे। अगरबत्ती जलाने क्योंकि अंदर में आप सिर्फ जल चढ़ा सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता ना, और अगरबत्ती वगैरह से तो लोग जानते ही कि आग लगा देता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर आके अपना अगरबत्ती जला के और रंगवली के पास अगरबत्ती दिखा के और चंदन लगा के हम लोग बाहर निकले, तो हमारा शिव जी से दर्शन हुआ। मेन शिव जी जो है बहुत बड़े शिव जी आपके सामने आने वाले हैं, तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो यही रहे शिव जी हमारे, बड़े से विशाल से शिव जी। और यहाँ पे अंदर में पूजा नहीं करने दिया गया है, यहाँ से शिवलिंग को भी हटा दिया गया है, यहाँ से पूजा कुछ दिनों बाद चालू होगा। क्या दोस्त के साथ हम आए हैं अपना मेला पूजा उजा कर रही हैं क्या अभिषेक भाई कुछ बोलो। बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है ससाई पोखर में, यही वैशाली के पड़ता है। और इधर देख सकते हो आप पूरा सही में बढ़िया मेला लग गया। पहले जब ये चालू हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं होता था, जब बचपन से मैं तो था ही यहाँ पे ना बहुत सालों से, बट अब एकदम सोनपुर मेला की तरह विकसित हो गया है ये, धीरे 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 वेल डेवलप मेला। और वो है नाचे वाला है 360 और झूला उला भी है उधर, और पूरा गाछी में लगा हुआ है। लेकिन बेचारा जिसका आम का पेड़ सब है ना, उस सबका अगला 1-2 साल में काम खत्म होने वाला है, क्या कि सूख जाएगा वो। तो गाइस अभी हम लोग गुपचुप खाने के बाद भुजा खाने आए हैं, जैसा कि इधर देख सकते हो सोनपुर मेला वाले स्टाइल में पूरा भुजा यहाँ पे रखा हुआ है और इसी फट्टी बांध के एक एक करके इसको लिया जा रहा है। ये भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन ये सब आम के बारे में हमको आगे सोचना पड़ रहा है कि बेचारा अगर ऐसे रहा, देख रहे हैं ना दुकान सब पेड़ के नीचे है, वहाँ चूल्हा जलेगा, गंदगी निकलेगा। भाई वहाँ से अभी मैं आ गया हूँ और मैं लाइव स्ट्रीम जा रहा हूँ चालू करने, तो अभी से लाइव स्ट्रीम लगातार 2-3 घंटे चलेगा। और पूजा करके आ गए तो काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है अंदर से, समझे ना, पॉजिटिव वाइब्स। तो गाइस फाइनली लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया फिर से, आज 3 घंटे मैंने लाइव स्ट्रीम किया। आज तो इंटरनेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। चलिए फिलहाल गाइस उसके बाद मैं कहीं गया नहीं, सो गया, और सो के उठा तो पता चला कि रात हो गया। तो इतना आज के लिए काफी है क्योंकि आज सुबह से बहुत ज्यादा थक गए थे, सुबह में ही उठ गए थे लगभग 6 बजे के करीब। उसके बाद यहाँ गया, वहां से आए पूजा करके 10 बजे के करीब,
उसके बाद फिर से लाइव स्ट्रीम किया 2-3 घंटे, तो पूरा दिमाग समझ सकते हो ना क्या हैक्टिक डे था। तो उसके बाद सो गए, तो अभी चलते हैं, फिर वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक टाटा।